दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जब रिजल्ट एडजर्न हो गया था तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। उसमें मैंने बार बार और बहुत ही क्लियर कट बताया था कि मेरा टारगेट 100 रुपया है, लेकिन लोग इसको निगेटिव लेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि ये निगेटिव मैं ले रहा हूँ, मैंने कहा था कि इसको लोग निगेटिव मानते हैं शेयर मार्केट में, इसको लोग निगेटिव मानते हैं। अगर वह डेट नहीं दिया होता तब ऐसा मान लेते, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिना ब्रेक के आलोक जो है 100 रुपये तक जाएगी। दोस्तों उसका एग्जाम्पल उसके ठीक बाद वाले ट्रेडिंग सेशन में जो 25/6 को हुआ उसमें दिखा। उसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 2,17,00,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम था और 99 करोड़ रुपया से ऊपर का ट्रेडेड वैल्यू था, जो बहुत ही ज़्यादा लगभग एवरेज जो 4-5 करोड़ का वॉल्यूम देख रहे हैं उसके तुलना में आप जोड़िए 7-10 करोड़ के एवरेज वॉल्यूम से भी देखिएगा तो 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ। और NSE पे लगभग 14,00,000 शेयर का हुआ, 6 करोड़ से ऊपर का ट्रेडेड वैल्यू हुआ। दोस्तों अब देखिए 26 तारीख का अर्थात आज का जो इसका ट्रेडेड रेट है BSE पे 48.20 रुपये पे ये क्लोज हुआ है और NSE पे 45.96 रुपये पे क्लोज हुआ है। और अगर BSE की ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करूँ तो 21 लाख से ऊपर का ट्रेडेड वैल्यू BSE पे हुआ है, जो लगभग 10 करोड़ से ऊपर का ट्रेडेड वैल्यू बताता है। NSE की बात करें तो लगभग 3 लाख शेयर का ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है और लगभग 1,36,00,000 के आसपास का वैल्यू बताता है। NSE पे लगभग 1.5 करोड़ का बायर्स खड़ा था अपर सर्किट में और BSE पे लगभग 1 करोड़ के आसपास का था। यह क्या इंडिकेट करता है इस पे बताने आया हूं कि अब क्या है कि इस जो भी चीजें हैं ये बिल्कुल साबित हो चुका है टेक्निकली, फंडामेंटली तो जो है सो है ही, फंडामेंटली ही फंडामेंटल जितने इम्प्रूवमेंट हैं उन सबको लेके ही मैंने इसका 100 रुपया टारगेट फिक्स किया था। और टेक्निकली जो इंडिकेटर हैं वो बता रहे हैं कि निकट भविष्य में भी इसका अपर सर्किट टूटने वाला नहीं है और जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को इसको पकड़ के रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं बताऊं कि जो इतना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ अर्थात कुछ लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी, कुछ लोगों ने फुल भी किया होगा, लेकिन उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला जो लोग इसको खरीदना चाहते थे। मैं इस रेट पे खरीदने मैं खुद होता तो नहीं खरीदता, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते हैं और जो लोग लॉन्ग टाइम टर्म प्ले करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हुआ और सब लोगों को शेयर मिल गई। जो लोग बराबर AMO लगा के लाइन में खड़े होते थे और उनको शेयर नहीं मिलता था। तो दोस्तों मैंने जो कहा था कि सतर्क रहिए वो बात बिल्कुल साबित सही हुई और वो चीज़ ख़त्म हो गया। सेकेंड डे जो होना था वो हो गया और अब जो है यह बिल्कुल हमें लगता है कि 100 रुपये पे जाके ही रुकना चाहिए और जो वैल्यू है और वॉल्यूम है दोनों यही ट्रेड इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि इसका जो मार्केट कैप है अब 10,655 करोड़ के आसपास हो गया है, जो अभी भी कम है जहां होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराते रहिए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।